अगला न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। इस वक्त मैं मौजूद हूं टांडा तिराहे अलीगंज रोड पर। आपको हम बता दें कि काफी समय से नगर निगम द्वारा और पोल्यूशन कंट्रोल द्वारा पिन्नी जो होती है प्लास्टिक की, उसे रोकने की कार्यवाही की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके अब तक लोगों ने प्लास्टिक की पन्नी यूज करना नहीं छोड़ा। इसको लेकर लगातार कार्यवाही की जा रही है। वहीं आज टांडा तिराहे अलीगंज रोड पर नगर निगम की टीम और पोल्यूशन विभाग की टीम पहुंची है और यहां लगातार कार्यवाही की जा रही है। फल की यहां पे आपको दुकानें दिख रही होंगी, लगातार यहां पे देखिए काफी क्विंटल पिन्नी जो है प्लास्टिक की वो बरामद की गई है। अभी हम बात करेंगे सहायक नगर आयुक्त से और जानेंगे किस तरह से आगे कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो रोड है उसे पूरा घेर रखा था फल वालों ने, तो अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है जिससे जो आने जाने वाली गाड़ियां हैं उनको काफी दिक्कतें ना हो, क्योंकि अक्सर ट्रैफिक भी यहाँ इसी कारण लगता है क्योंकि यहाँ पे जो टेंट है और जो दुकानें हैं वो पूरी सड़क तक आगे की तरफ झुकाव की तरफ बना रखी है लोगों ने। तो अभी जो विभाग है नगर निगम विभाग और पोल्यूशन विभाग की टीम दोनों मिलकर कार्यवाही कर रही हैं और सभी से काफी प्लास्टिक की पन्नियां बरामद की जा रही हैं और चालान भी किए जा रहे हैं और चालान की जो रकम है वो भी वसूला जा रहा है। नगर निगम और प्रदूषण कंट्रोल विभाग लगातार कार्यवाही कर रहा है और ये प्रक्रिया लगभग कई दिनों तक चलेगी ताकि सभी जो सिंगल यूज प्लास्टिक अभी भी यूज कर रहे हैं उन दुकानदारों को सीमित किया जा सके और उन पर रोक लगाई जा सके। मैं आपको दिखा सकती हूँ कि इस तरह की पन्नी हम यूज कर सकते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक की जो प्लास्टिक की पन्नी होती है उसे यूज ना करके हम इस तरह की भी पन्नी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक का कोई डिस्पोजल नहीं होता और उसे जो नष्ट करने में काफी समय लग जाता है जिससे हमारा प्रदूषण और बढ़ता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सहायक नगर आयुक्त। सर, किस तरह से कार्यवाही की जा रही है? ये जो शासन का आदेश है उसके अनुपालन में पूरी टीम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई है। इस संयुक्त कार्रवाई का दूसरा दिन है जो हम टांडा में हैं और जो फल मंडी पे जो बहुत पहले से हमें सूचना थी यहाँ पॉलीथीन बहुत बड़ी मात्रा में बिक्री हो रही है, उस पर छापामारी कार्रवाई की जा रही है और तमाम लोगों से हमने पॉलीथीन पकड़ी है, उनकी चालान की कार्रवाई की गई है और भविष्य के लिए चेतावनी दी गई है और ये छापामारी नगर निगम लगातार करती रहेगी। किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, किस तरह से प्रदूषण को कंट्रोल किया जा रहा है? ये इन्फोर्समेंट एक्टिविटी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अर्बन लोकल बॉडीज के माध्यम से संयुक्त जांच टीमें हैं जो सिंगल यूज प्लास्टिक पे हम लोग जो इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। इसमें काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में अभी कल भी जो स्टॉकिस्ट और रिटेलर्स हैं वो पाए गए हैं और अभी भी हम लोग आज स्ट्रीट वेंडर्स लोकल मार्केट्स को कवर कर रहे हैं जिसमें भी जो भी प्रतिबंधित हैं सिंगल यूज प्लास्टिक वो पाया जा रहा है। इस पर हम लोग उन पर कंप्लायंस के लिए पूरा पोर्टल बनाया, उस पर कंप्लायंस भी डाल रहे हैं और उनकी जो है कंप्लेंट्स को भी दर्ज करके हम देख रहे हैं कि कितना मात्रा में यहाँ पे अभी पूरी तरह से नहीं प्रतिबंधित किया जा सका है, उसी इन्फोर्समेंट एक्टिविटी को हम लोग यहाँ पे कंप्लायंस करा रहे हैं। ये एक्टिविटी लगभग चलती रहेगी। इसमें हम लोग जो भी शॉप्स हैं, मॉल्स हैं या यहाँ की जो बड़ी वो हैं उन चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे और देखते रहेंगे, अभी दो तीन दिन तक चले जाएगा। जैसे कि अवधेश त्रिपाठी जी से हमने जाना कि यहाँ जो प्रदूषण है उसको कंट्रोल करने के लिए भी दिल्ली से खासतौर से टीम आई है उनकी और यहाँ देखा जा रहा है कि किस तरह से पोल्यूशन हो रहा है उसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि स्वच्छता ही हमारे जीवन का सबसे पहले आधार होता है। तो जब तक स्वच्छता नहीं होगी हमारा जीवन अच्छे से नहीं चल पाएगा। और दूसरी तरफ प्लास्टिक तो जितनी बार कहा जाए उतनी बार प्रतिबंध किया गया है लेकिन लोग नहीं मानते हैं, इसके बावजूद लगातार नगर निगम कार्यवाही करता है और प्लास्टिक बड़ी मात्रा में बरामद करता है। नितिन बहारा के साथ मैं रिया तोमर, सुरागिला न्यूज, काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।